हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शपथ इंस्टीट्यूट। आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स को। अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, कांस्टेबल, सीपीओ या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी। अगर आप इस क्लासेस को ज्वाइन करोगे तो आपकी बहुत ही हेल्प होगी वोकैबुलरी के सेक्शन के लिए। प्रीवियस ईयर के वर्ड्स हैं, कुछ न्यू वर्ड्स हैं। अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है बायस। बायस होना होता है पक्षपात करना। जैसे आपने सुना होगा पार्शियलिटी, यानी किसी का फेवर लेना, किसी के पक्ष में होना बायस कहलाता है, जिसको हम पार्शियलिटी या फेवर कहते हैं, जिसको क्या कहेंगे हम, पक्षपात, किसी का फेवर लेना। तो बायस वर्ड का मतलब पक्षपात होता है। अगला वर्ड देखो, कमली। कमली का मतलब होता है जो चीज़ें आकर्षित करे, जो हमें अट्रैक्टिव लगे, या जिसको हम अपीलिंग भी कहते हैं, जो अपनी तरफ मोहित करे, आकर्षित करे, वो चीज़ें कमली कहलाती है। कभी भी आपके एग्जाम में कमली वर्ड आए, इसका मतलब अट्रैक्टिव यानी अपीलिंग होता है, यानी जो चीज़ें आकर्षित करे। थर्ड वर्ड देखो, मायर। मायर का मतलब होता है दलदल। आपने देखा होगा मिट्टी और जो पानी का ऐसा एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर किसी का अगर पैर भी जाए तो वो नीचे की ओर जाने लगता है। तो उस दलदल को हम यूजली स्वैम्प कहते हैं, या फिर बॉग भी कहते हैं, या तो मायर भी कहते हैं। तो इस मायर वर्ड का क्या मतलब होता है, जिसे हम दलदल कहते हैं। अगला वर्ड है क्लैमर। क्लैमर होता है शोर शराबा, शाउट या फिर ट्यूमिल्ट, हलचल, कोलाहल, क्लैमर कहलाता है। शाउट करना, ट्यूमिल्ट, यानी जिसको हम कोलाहल भी कहते हैं, या तो जिसे हम हलचल भी कहते हैं। फिफ्थ वर्ड है इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है बचाव करना, परहेज करना, जिसे हम यूजली क्या कहते हैं। मान लो अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप कोई भी ऐसी ठंडी चीज़ को अवॉइड करते हो, तो अवॉइड करना, उससे बचना, परहेज करना इल्यूड ही कहलाता है। और अवॉइड और एस्केप हम इसको एज अ सिनोनिम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज़ से परहेज करना या फिर बचना। अगला वर्ड है टाइकून। आपने सुना होगा बहुत बड़ा टाइकून है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, या तो एंटरप्रेन्योरशिप भी जिसको बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, बहुत शक्तिशाली बिजनेसमैन है या व्यापारी है। व्यापारी मतलब क्या होता है, यूजली हम छोटे मोटे व्यापारी को ट्रेडर भी बोल देते हैं, बट अगर ये उद्योगपति मैं कहूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। तो जो शक्तिशाली उद्योगपति, जैसे हमारे देश में अडानी, अंबानी, ये सारे क्या हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट ही तो है, टाइकून ही तो है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, शक्तिशाली उद्योगपति। अगला वर्ड है जिनॉर्मस। जिनॉर्मस वर्ड दो वर्ड से मिला है, जाइंट प्लस इनॉर्मस, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल, जिसे हम कोलोजल या ह्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत बड़ा, या जिसे हम विशाल भी कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। फ्रेंड्स, अगला वर्ड है मिमेंटो। मिमेंटो का मतलब होता है जिसे हम स्मृति या फिर यादगार वाली चीज़ें कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मॉन्यूमेंट, आपने देखा होगा मॉन्यूमेंट बनाया जाता है किसी की याद में, जिसे हम कहते हैं ना कि कोई ऐसी बिल्डिंग जो किसी की याद में बनाई जाए, तो मॉन्यूमेंट हो या तो मेमरी हो, किसी की स्मृति, किसी की याद, वही क्या कहलाता है, मिमेंटो भी कहलाता है। तो क्या कहते हैं, स्मृति या फिर याद वाली चीज़ें, यादगार वाली चीज़ें। अगला वर्ड है बोनस। सभी जानते हैं लोगों को, जैसे आपने सुना होगा दिवाली में बोनस मिला, तो बोनस का मतलब क्या होता है, ग्रेट्यूटी भी बोलते हैं और डिवाइडेंड भी बोलते हैं। बोनस को हम डिवाइडेंड भी बोलते हैं, ग्रेट्यूटी भी बोलते हैं, मतलब अतिरिक्त उपहार या फिर भेंट जिसको बोलते हैं। तो बोनस का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा लाभ जिसको हम बोलते हैं, या फिर उपहार बोलते हैं। अगला वर्ड है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव होता है दंडनीय, जो जिसे हम कहते हैं ना कि ये जो अपराध है दंडनीय है, जिसको हम पीनल बोलते हैं या तो पनिशिंग बोलते हैं। पनिश क्या होता है, किसी को दंड देना। अगर मैं बात करूँ प्यूनिटिव वर्ड की, कभी आपके एग्जाम में आए, प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है, दंडनीय होता है। नेक्स्ट वर्ड देखो रीबफ। रीबफ का मतलब है किसी चीज़ को
अस्वीकार कर देना, नकार देना, रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज कर देना, यानी उसको मना कर देना। तो कभी भी रीबफ वर्ड आए इसका मतलब क्या होता है, अस्वीकार या फिर मना करना। नेक्स्ट वर्ड देखो डेप्यूटेशन। डेप्यूटेशन का मतलब है किसी को नियुक्त करना, जैसे हम बोलते हैं ना कि अपॉइंट करना, किसी को असाइन करना, अपॉइंटमेंट असाइनेशन या तो आई डेप्यूटेशन, सबका मतलब क्या होता है, नियुक्त करना। अगला वर्ड देखो रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब बेचैन होता है, जिसको हम डिसक्वाइट या तो हम रेस्टलेस कहते हैं। अशांत होना, बेचैन होना क्या कहलाता है, रेस्टिव कहलाता है। तो कभी भी रेस्टिव वर्ड आए इसका मतलब अशांत या जिसको हम बेचैन कहते हैं। अगला वर्ड है सेल्यूबरस। सेल्यूबरस होता है जो चीज़ें स्वास्थ्यप्रद हो, हेल्दी हो, या तो जो चीज़ें उपयोगी हो। तो हेल्दी, बेनिफिशियल, उपयोगी होना, लाभदायक होना सेल्यूबरस कहलाता है। अब देखो आगे के वर्ड्स। तो अगला वर्ड है कैंकरस। कैंकरस का मतलब वो चीज़ें जो हानिकारक हो। कभी भी ये वर्ड आए कैंकरस, इसका मतलब मेलाइन भी बोल देते हैं सिनोनिम में, या तो डेट्रीमेंटल। कभी भी डेट्रीमेंटल वो चीज़ें होती है जो हमारे लिए नुकसानदायक या हानिकारक हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, नुकसानदायक, या तो जो चीज़ें हानिकारक हो। नेक्स्ट वर्ड देखो बेस। बेस दो चीज़ों को बोलते हैं। बेस आपने सुना होगा किसी भी चीज़ का आधार जिसको बोलते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग ही बना रहे हो उसका पहले बेस तैयार करते हैं, या कोई भी चीज़ सबसे पहले बॉटम से ही स्टार्ट होती है तब जाके ऊपर उसका स्ट्रक्चर बनता है। तो बेस का दो मतलब होता है, एक चीप और मीन होता है जिसको हम सस्ता कहते हैं, सस्ता या जो चीज़ें तुच्छ हो, जिस कम रेट की हो। अब फाउंडेशन और बेसिस क्या होता है, आधार होता है। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पर बेस का क्या मतलब दे रहा है, ठीक है। तो बेस वर्ड के दो डिफरेंट मतलब है। अगला वर्ड देखो रीफर्बिश। रीफर्बिश होता है किसी चीज़ को रेनोवेट करना। अब आपका घर है पुराने ज़माने का है, आपने उसको रेनोवेट करा, वो नए तरीके से हो गया, तो हिंदी मतलब नवीनीकरण करना, ठीक है। तो रेनोवेट रीस्टोर मतलब नवीकरण करना। अगला वर्ड देखो एब्सटेन। एब्सटेन होता है किसी चीज़ से टोटली परहेज कर लेना। एब्सटेन करना मतलब रिफ्रेन करना या उसको अवॉइड करना, मतलब क्या है, किसी चीज़ से बिल्कुल परहेज कर लेना कहलाता है एब्सटेन। सो माई डियर फ्रेंड्स, मेरी 20 वर्ड्स की क्लास यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलेंगे कल के क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।